ये कचौड़ी एकदम से ना बेहतरीन बनकर घर पर तैयार होती है दोस्तों, एकदम से ना बहुत बेहतरीन तरीका से। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तब यहाँ पर ले लिए हैं एक कटोरी गेहूं के आटा, पूरा फुल कटोरी लिए हैं। तो जी बहुत बढ़िया एकदम से ना गेहूं के आटा से बनकर कचौड़ी तैयार होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज एकदम बढ़िया बेहतरीन एकदम से ना गेहूं के आटा से कचौड़ी की रेसिपी लेकर आए हुए हैं। तो जी आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे कचौड़ी वाला रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बड़ा थाली में आटा ले लिए, अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल। अब यहाँ पर ले रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा कलौंजी है इसमें, मिला के रखे हैं हम। तो हाथ में लेते हैं इसको, हथेली के बीच में इसको क्रश करके डाल लेते हैं। क्रश करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत फ्लेवर बढ़िया आता है, टेस्टी लगता है। तो अच्छे से इसको मिलाते हुए पूरा मसलते हुए अच्छे से पूरा मिला लेते हैं कि जो गेहूं के आटा है जो तेल है कणकण में इसका मिल जाए बढ़िया से। तो देखिए बढ़िया से इसको मिस लिए एकदम से ना मिला लिए, अच्छे से मिल गया है। बस अब इसमें कुछ नहीं डालना है, बस पानी डाल डाल कर इसको एक बढ़िया से सॉफ्ट से डो लगाना है एकदम से ना। रोटी से रोटी को डो लगाते हैं हम, उसे थोड़ा सा इसको हार्ड बनाना है, थोड़ा सा टाइट। बस ऐसा ही इसको मसलते हुए गूँथ लेते हैं आटा को। अब बहुत एकदम से ना कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में, ना ही ज़्यादा खर्चा है इसमें, एकदम से ना घर में के सामग्री से फटाफटे बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये देखिए एकदम से ना अच्छे से आटा को गूँथ लिए, अब इसको आइए फटाफट बनाते हैं। तो अब चाहिए तो इतना छोटा छोटा लोई तोड़ के भी बना सकते हैं, मगर आइए आपको काम हम आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर आटा को लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। अब इसको 2 भाग में हम तोड़ ही लेते हैं कि बनाने में आसानी रहेगा। तो थोड़ा सा हाथ में जो आटा की लोई है उसको लेते हुए थपकी लगाते हुए इसको गोल बना लेते हैं। तो ये देखिए इसको गोल बना लिए, थोड़ा सा इसको इस पर थपथपा कर थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। एकदम से ना बहुत आसान है कचौड़ी वाला रेसिपी है दोस्तों, कोई भी बना लेगा ये रेसिपी। तो ये देखिए अब बस आटा सूखा लेते हैं, थोड़ा सा आटा में सूखा आटा में डस्ट कर लेते हैं, इसको चाक जैसा बना लेते हैं। चाक बनाने से क्या होता है कि जो रोटी हम बनाते हैं तो आसान हो जाता है बेलने में। ये देखिए अब बेलन लेते हैं, बेलन से इसको फटाफट बेल लेते हैं, अच्छे से इसको पूरा फैला कर बड़ा रोटी एक बेलेंगे एकदम से ना। जिसको नहीं बनाने आएगा उसको भी वो भी ये बनाकर कचौड़ी खा सकते हैं बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना अच्छा से इसको इतना ही लंबा में बेल लिए, गोल में सॉरी। तो इतना मोटा रखना है इसको, नहीं ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा, एकदम से ना मीडियम थिकनेस इसको रखना है। तब गिलास ले लेते हैं, एक कोई भी कप वगैरह लीजिएगा तो थोड़ा उसको धार चोक होना चाहिए। तब यहाँ पर कट लगा लेते हैं इसमें, देखिए ऐसा गोल गोल नचाते हुए एकदम से ना। आसान ट्रिक है एक कचौड़ी बनाना एकदम बेहतरीन बहुत बढ़िया। तो देखिए तो ऐसा ही पूरा अच्छे से आटा में डुबा डुबा कर इसको इसको काट लेना है अच्छे से। देखिए कितना गोल गोल बढ़िया से ये कट जा रहा है। तो बढ़िया से इसको थोड़ा सा, एक तो मुझे छोटा पड़ गया काटने में, कोई बात नहीं है। अब ऐसा साइड से इसको एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। अब चाहिए तो ऐसा
डायरेक्ट भी इसको उठाकर रख सकते हैं। ये देखिए तो पूरा एकदम से ना बेहतरीन तरीक़े से इसको बेल लिए। दूसरा भी ऐसा ही हम बना लेंगे, ये भी रोटी में लगा कर बना लेंगे। दूसरा भी ऐसा ही पूरा थपथपाते हुए वही बनाकर इसको बेल लेते हैं। अगर दोस्तों मेरा चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे पहले बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि सबसे पहले हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के मोबाइल में नए नए नोटिफिकेशन जा पाए, नए नए रेसिपी जा पाए कि आप लोग मेरा वीडियो देख पाए। तो अच्छे से देखिए काट लिए, अब डायरेक्टली इसको ऐसा उठा लेते हैं, एकदम से आसान हो गया। और तब इसको देर नहीं करते हुए पूरा इस प्लेट में रख लेते हैं। अभी बच्चों लोग के टिफिन में बना कर देंगे तो बच्चों लोग वहीं चट कर देंगे खाकर। तो आइए इसको अब गैस की ओर चलते हैं। तो कढ़ाई में तेल रख लिए हैं गैस पर गर्म होने के लिए, पहले चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। छोटा सा टुकड़ा डाल लेते हैं आटा को, तो देखिए बढ़िया एकदम से ना बेहतरीन ये गर्म हो चुका है। इसको लो टू मीडियम धीमी आंच पर इसको पूरा तेल को गर्म किए थे, तब इसी में डाल लेते हैं। और जितना आएगा चार डाले हैं हम, तो इसमें कोई खिलता है कोई नहीं खिलता है। तो इसको देखिए कितना बढ़िया गुब्बारा जैसे खिल गया एकदम से ना, तब इसको पलट लेते हैं हम। उलट पलट करते हुए इसको पूरा से ना एकदम से ना बढ़िया एकदम से ना गोल्डन सुनहरा कर लेना है। गोल्डन सुनहरा करने से क्या होता है कि बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा बहुत प्यारा कलर आ गया है एकदम से ना। इसको गर्मा गर्म खाइए बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए तो ऐसा ही बाकी के सब निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। तो फिर से डाल लेते हैं दूसरा भी, तो ऐसा ही डाल डाल कर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आपकी कढ़ाई थोड़ी फैली है तो और अच्छा है, बढ़िया से उसमें खिलता है ये कचौड़िया। ये देखिए दिख रहे हैं बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों ये कचौड़ी, एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा और बच्चों लोग को खिलाइएगा। नहीं इसमें मिर्च नहीं मसाला कुछ नहीं, खाली नमक और अजवाइन इसमें डाल के बनाए हैं हम, एकदम से आसान रेसिपी है। ये देखिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया एकदम से ना। तो तीसरा सभी को ऐसा ही हम पूरा अच्छे से तल लेंगे। तो ये देखिए तो पूरा बढ़िया से इसको तल लिए, अब हम सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों ये एकदम से ना हमारा हेल्दी बढ़िया एकदम से ना घर के सामान से बनकर एकदम से ना कचौड़ी है तैयार एकदम से ना बहुत बेहतरीन बहुत टेस्टी। तो ये देखिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, दिख रहे होंगे बहुत टेस्टी लगता है ये कचौड़ी। आप इसको चटनी के साथ भुजिया के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा तेज़ी में थी इसलिए चटनी इसमें नहीं बना पाई। तो आप लोग प्लीज़ बनाकर एक कचौड़ी के आनंद उठाइएगा। तो देखिए एक तोड़ के दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अगर दोस्तों ये गेहूं के आटा की कचौड़ी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कचौड़ी